गुरुदेव मार्केट बड़की सनदियारा में भोजपुर जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का 41वां जन्मोत्सव मनाया गया। जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि चिराग पासवान बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोकप्रिय नेता हैं। वह किसी जात नहीं जमात की बात करते हैं, वह किसी व्यक्ति का विरोध नहीं उनके गलत नीति और सिद्धांत का विरोध करते हैं। जन्मदिन पर भोजपुर के समस्त कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि 2025 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे तथा भ्रष्टाचार मुक्त अपराध मुक्त बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बनाएंगे। पार्टी के वरीय नेता सुरेंद्र आजाद ने कहा कि आज चिराग पासवान के इतने फैंस हो गए कि उनकी सभा में लाखों लाख युवा हाथ मिलाकर बिहार की सत्ता को बदलना चाहते हैं और भविष्य में सत्ता परिवर्तन करेंगे। वरीय नेता इंजीनियर जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब चिराग जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके अलावा बिहार के कोई नेता में ऐसी सोच और विजन नहीं है जो बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। संतोष पासवान प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने कहा कि बिहार में अपराध जोरों पर है, लोग बिहार से पलायन करने पर मजबूर हैं, जिसका निदान सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही कर सकते हैं। पिंटू तिवारी जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ ने कहा कि चिराग पासवान के जन्मदिन पर हम सभी संकल्प लेते हैं उनके पिताजी एवं चिराग जी ने के सपनों का बिहार बनाने में योगदान करेंगे। दिवंगत रामविलास गरीब दलित शोषित ही नहीं गरीब स्वर्णों के मसीहा थे। हम उनका स्वर्ण समाज कर्जदार है और चिराग जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाकर कर्ज चुकाएंगे। पार्टी कार्यालय में आज चिराग पासवान का जन्मदिन मनाया गया, क्या कहेंगे जी? लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोकप्रिय नेता और पूरे भारत में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट करने का जो संकल्प किए हैं, नींव रखने का जो काम किए हैं हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी, आज उनका जन्म है। आप सभी को पता है कि आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1982 को उनका जन्म हुआ था और पूरे भारत वर्ष में जितने भी हमारे पार्टी कार्यालय हैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। भोजपुर जिला में भी सभी प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर एकदम धूमधाम से अभी कार्यक्रमों का तांता लगा हुआ है। सभी लोग आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ जनताओं से आज अपील करते हैं कि एक बार हमारे चिराग पासवान जी को बिहार की सत्ता सौंपने का कार्य करें हमारी बिहार की जनता, और इन्होंने दिखा देंगे कि हमारा पूरा भारत वर्ष में बिहार हर एक मामला में अव्वल होगा। बिहार जब तक फर्स्ट नहीं होगा, बिहारी फर्स्ट नहीं होंगे, तब तक पूरे प्रदेशों में बिहार का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। आप देखते होंगे कि कभी भी ऐसा युवा सम्राट नेता है कि कभी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे सभी दल हो, सभी दलों के दिल में रहने वाले जो अगर नेता कोई है भारत वर्ष में तो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। किसी का विरोध करते हैं तो नीति का विरोध करते हैं, व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं करते हैं, व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं, किसी के नीति सिद्धांत का विरोध करते हैं। लोजपा रामविलास भोजपुर आज से क्या नया करने वाला है, किस तरह का संकल्प ले रहा है आगामी आने वाले? हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि जी जान से लग करके 2025 में चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरे कार्यकर्ता जितने आप देख रहे हैं कि यहाँ का हमारे बड़ी पार्टी के नेता आदरणीय जितेंद्र शुक्ला जी हैं, पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पिंटू तिवारी जी हैं, यहाँ संसद यहाँ बगल में हमारे जो हैं संगठन जिला के संगठन मंत्री आदरणीय श्री कमलेश सिंह तोमर जी हैं, ललन पासवान जी हैं, सुरेंद्र आजाद जी हैं,
ओम प्रकाश चंद्रवंशी जी हैं, जितने लोग भी हैं, संजू जी हैं, सभी लोग नेता जुटे हुए हैं हमारे जिला स्तर पे। एक कार्यक्रम है प्रखंड स्तर पे, सभी प्रखंड अध्यक्ष मना रहे हैं। तो हम लोग जी जान से आज बर्थडे मनाते हुए, जन्मदिन मनाते हुए संकल्प कर रहे हैं और जनताओं से अपील कर रहे हैं कि 2025 में आदरणीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भोजपुर इकाई की तरफ से हम अपने युवा तुर्क नेता माननीय चिराग पासवान जी को 41वीं जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और बिहार की जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि यह बिहार की जनता जो हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो परिकल्पना है वह तभी साकार हो सकता है जब एक बार उनको बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन करने का आशीर्वाद प्रदान करें। आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो परिकल्पना है वो साकार हो पाएगी। हम पूरा माननीय चिराग पासवान जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए बिहार की जनता से यह अपील करना चाहते हैं कि 41वीं जन्मदिन पर आप चिराग जी को 2025 में यह आशीर्वाद दें कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए आप लोगों का आशीर्वाद अति आवश्यक है। माध्यम से हम अपने युवाओं के प्रेरणा स्रोत बड़े भाई आदरणीय चिराग पासवान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि पार्टी के कार्यालय में हम लोग आज चिराग पासवान की 41वां जन्मदिन मना रहे हैं और यही पार्टी कार्यालय नहीं, भोजपुर जिला के हर प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर जिला है उनके जन्मदिन मनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जिला स्तर पर अपने पार्टी के लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव समारोह मना रहे हैं और आज के दिन मैं बिहार के जनता से अपील करूंगा कि आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने, जिसके दिलों में ये बात आया हो कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये चीज हमारे आदरणीय नेता श्री चिराग जी के दिल में आया है। इस मुहिम को हम सारे लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता लोग कर इसको साकार करने के लिए और बिहार के जनता से मैं अपील करता हूं कि बिहार के वर्तमान भ्रष्टाचार और जंगल राज की स्थिति को देखते हुए आदरणीय चिराग जी को 2025 में बिहार की सत्ता सौंपने का कार्य करें। जय बिहार, जय लोजपा रामविलास।